75 hidden details and facts about Spider-Man Across the Spider-Verse जो कि शायद ही आपको पता होंगे। और ये पार्ट 2 है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी Across the Spider-Verse से रिलेटेड 33 डिटेल्स कवर कर चुका हूँ, जिसको आप कभी भी चैनल पर देख सकते हो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद इंडियन सिटी Mumbaiton। नंबर 1, माइल जब Mumbaiton में एंटर करता है तो उस टाइम न्यूक्लिया का बकर बकर सॉन्ग चलता है, और जो फोटो न्यूक्लिया ने अपने सॉन्ग में यूज की है तो वैसी सिमिलर फोटो हमें पवित्र के रूम में भी देखने को मिलती है। एंड पवित्र के रूम को फुल देसी इंडियन स्टाइल में सजाया गया है, लाइक ये बर्ड्स जिन्हें इंडिया के मोस्टली रूरल एरियाज में होम डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, जिन्हें कागज या फिर कपड़े से बनाया जाता है। पवित्र का बेड भी पुराने देसी इंडियन स्टाइल में बना होता है, और उसके डेस्क पर एक स्टैचू रखा होता है जिसके हाथ में आई थिंक क्रिकेट बैट है, और आप सभी को पता ही है कि क्रिकेट इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है। नंबर 3, पवित्र अपने इंट्रोडक्शन के टाइम अपने वेब को एक धनुष की तरह यूज करता है और फिर उसमें अपने आप को तीर की तरह खींचकर आगे बढ़ता है। आई मीन दिस इज जस्ट ऑसम। नंबर 4, Mumbaiton में इंडियन कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है किशोर टेलर बोर्ड, लाइक मेरे यहाँ पर है फैंसी टेलर एंड रीगन टेलर। एक जगह पर होता है पानीपुरी यानी गोलगप्पों का बोर्ड, और कई बिल्डिंग्स पर बैंक ऑफ Mumbaiton के बोर्ड्स भी लगे होते हैं, जस्ट लाइक बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 5, ग्वेन जब स्पोर्ट पर अटैक करने के लिए जाती है तो उसके पीछे एक बिल्डिंग पर कालिंदी लिखा होता है, जो कि एक संस्कृत नाम है जिसका मीनिंग होता है द सन, और भारत में अपनी यमुना नदी को संस्कृत में कालिंदी कहा जाता है, जिसके नाम पर ऑल ओवर इंडिया में लड़कियों के नाम भी रखे जाते हैं। तो इस बिल्डिंग के ओनर ने अपनी बेटी के नाम पर इस बिल्डिंग का नाम कालिंदी रखा होगा। नंबर 6, Mumbaiton में सेक्रेट वॉर्स नाम का बोर्ड भी देखने को मिलता है, जो कि मे बी रेफरेंस हो सकता है सीक्रेट वॉर्स या फिर अपनी इंडियन वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स का, बट मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि सेक्रेट वॉर्स के बोर्ड्स Mumbaiton में कई जगहों पर लगे होते हैं और इन पर ये फिगर सिर्फ बहुत ही फिल्मी एंड हिस्टोरिकल टाइप होते हैं। तो आई थिंक Mumbaiton में सेक्रेट वॉर्स के नाम की कोई न्यू मूवी आई होगी, जिसकी प्रमोशन पूरे Mumbaiton में पूरे जोरों शोरों से चल रही है। नंबर 7, माइल जब Gwen को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है तो उस टाइम हमें एक लैब बोर्ड देखने को मिलता है, इस पर इंग्लिश में पार्टिकल फिजिक्स लिखा होता है और इसका टोटली एक्यूरेट हिंदी में कण भौतिकी, और इंडिया में बहुत से लोग सिर्फ हिंदी या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज को ही पढ़ पाते हैं, जिसके चलते दुकानदार अपने बोर्ड्स को दोनों हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में छुपवाते हैं, और वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। नंबर 8, Mumbaiton में एक जगह पर डॉक्टर शाह का नाम के एनर्जी ड्रिंक का बोर्ड लगा होता है और इसकी टैगलाइन होती है टेस्ट द लाइटनिंग जस्ट लाइक थम्स अप टेस्ट द थंडर। आई मीन भाईजान का जलवा स्पाइडरवर्स में भी चल रहा है। और इसके बाद वाले सीन में हमें एप्पल जी का बोर्ड देखने को मिलता है, जो कि आई थिंक एप्पी फिज का एक अल्टरनेट था, और इसके नीचे लगा होता है 50% डील का ऑफर, और इसमें कोई दो राह नहीं है कि हम इंडियंस को सस्ती चीजें और ऐसी डील्स बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। और वहीं पर पीछे लगा होता है जोस फ्राटा का बोर्ड, आवर फेवरेट मॉर्निंग डिश। नंबर 10, Mumbaiton में कई जगह पर पवित्र की गर्लफ्रेंड गायत्री के पोस्टर्स लगे होते हैं प्रमोटिंग Zomato, और ये कॉलबैक था टोबी की स्पाइडरमैन 2 मूवी को, जिसमें MJ भी एक मॉडल थी, और इस मूवी में Zomato बोर्ड पर एक लाइन लिखी होती है जिसको मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्या बात है पढ़ा होगा, बट एक्चुअल में ये थी क्या बात है। एंड मराठी और बंगाली लैंग्वेज में चावल यानी राइस को भात कहा जाता है, तो यहाँ पर Zomato की एडवर्टाइजिंग बहुत ही क्लेवर एंड डीप इंडियन स्टाइल में की गई थी। और यहाँ पर Zomato के साइड में एक और फूड पोस्टर लगा होता है चारकोल केबाबरी के नाम से, जो कि रियल लाइफ फूड शॉप है कोलकाता में। नंबर 12, पवित्र जिस रेड बस को ब्रिज से नीचे गिरने से बचाता है तो उसकी डेस्टिनेशन ब्रोन नगर होती है, और मुझे ये डिटेल अच्छी इसलिए लगी क्योंकि मैं जिस सिटी में रहता हूँ तो उसका सरनेम भी नगर है, एंड आई जस्ट लव इट। नंबर 13, अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पवित्र कहता है कि वो कुछ बैड गाइस से लड़ा और स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाया, और इंडिया में स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना एक आम सी बात है, और पवित्र ने एक पपी को अपने हाथ में पकड़ा होता है, जो कि इस अपने इंडियन स्पाइडरमैन को और भी इंडियन बनाती है। नंबर 14, जब एल्केमैक्स बिल्डिंग का एक टुकड़ा नीचे लोगों पर गिरने लगता है तो उस टाइम पवित्र अपने सिर को पकड़ लेता है, क्योंकि अभी वो सिर्फ 6 महीने से स्पाइडरमैन बना हुआ है, इस दौरान उसने सिर्फ छोटे मोटे विलेंस एंड सिचुएशंस का सामना किया होगा, और फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी सिचुएशन को देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद माइल्स उसे मिलकर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहता है, और यहाँ पर खत्म होती है स्पाइडरमैन इंडिया एंड Mumbaiton सिटी से रिलेटेड सभी डिटेल्स, और मैं ऑल ओवर मूवी की डिटेल्स एंड फैक्ट्स को कवर करूंगा विद ऑनवर्ड। नंबर 15, माइल्स जब अपनी ग्रोथ को अपनी स्केचबुक के जरिए बताता है तो उस टाइम वो अपनी OG टीम के साथ खड़ा होता है, और अपनी स्केचबुक में माइल्स ने पीटर बी के शूज अलग अलग बनाए होते हैं, जैसा कि उसने पहली मूवी में पहने हुए थे। और उसके बाद जब माइल्स को सूट डिजाइन करते हुए दिखाया जाता है तो उसमें हमें एक ब्लैक रेड सूट देखने को मिलता है, जो कि माइल्स का फर्स्ट कॉमिक सूट था। नंबर 17, माइल्स के स्पाइडर सोसाइटी में आने के बाद जब मिगेल इन फुटेजेस को देख रहा होता है
तो इनमें स्पोर्ट की भी एक फुटेज होती है जो कि हमें इस मूवी में तो देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये इस मूवी का डिलीटेड सीन था जो कि कनेक्टेड होता है इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जिसमें स्पोर्ट अपने न्यू फाउंड पावर्स को पाने के बाद एक विलेन बार में जाता जिसका नाम होता द बार विद नो नेम। और इस बार में हमें ये सभी विलेन देखने को मिलते जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जिनमें ऑलमोस्ट 60 मेजर विलेन थे। तो स्पोर्ट के इस बार में जाने के बाद ये सभी विलेन माइल्स एंड बाकी सब की तरह स्पोर्ट का मजाक उड़ाते। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्पोर्ट की इस मूवी में प्राइम मोटिवेशन यही होती है कि कोई भी उसका मजाक ना बनाए और सभी उसे एक ट्रू विलेन की तरह माने। एंड पोस्ट क्रेडिट्स में हमें जो देखने को मिलता तो उसमें स्पोर्ट अपने इन न्यू ब्लैक पावर्स को पाने के बाद फिर से इस विलेन बार में जाता और अपनी पावर्स को शो ऑफ करते हुए वो इस पूरे बार को डिस्ट्रॉय कर देता, जिसमें सभी विलेन मारे जाते। तो आपको क्या लगता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन मूवी में होना चाहिए था या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 19, जब माइल्स स्पाइडर सोसाइटी की बिल्डिंग से बाहर की तरफ जंप करता है तो उसके बाद हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है। तो शायद ही आपको पता हो बट इस स्पाइडरमैन को मेट्रो बूमिन ने प्ले किया था, जिन्होंने इस मूवी के ऑसम साउंडट्रैक को क्रिएट किया है। नंबर 20, स्पाइडर सोसाइटी में हमें जो वेब स्लिंगर का कैरेक्टर देखने को मिलता है तो उसके मास्क के नीचे इस कैरेक्टर का चेहरा एक्टर पेड्रो पास्कल के फेस से इंस्पायर्ड था, जिसको इस मूवी के कैरेक्टर डिजाइनर क्रिस्टोफर एंका ने खुद ही रिवील किया है। नंबर 21, स्पाइडरपंक के इंट्रोडक्शन के टाइम उसकी बैक पर हमें स्पाइडर सिंबल के ऊपर चार लेटर्स देखने को मिलते हैं FNSM, जिसका मीनिंग है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, और यही सेम लोगो उसके गिटार प्लेक्ट्रम पे बना होता है। एंड माइल्स के सामने स्पाइडरपंक की एंट्री उसी सेम स्टाइल एंड क्लोजअप के साथ दिखाई गई है जैसे कि मिगेल की एंट्री ग्वेन के सामने हुई थी। नंबर 23, इस मूवी में दिखाए गए स्पाइडरपंक के कैरेक्टर को स्पाइडरमैन एंड ओरिजिनल ट्रैवलर फ्रॉम द 1969 कॉमिक बुक्स को मिक्स करके बनाया गया था, क्योंकि 1969 वाली कॉमिक्स में फर्स्ट एंड ओरिजिनल ट्रैवलर होबी ब्राउन ही होता है जो कि अपने रिडेम्पशन के बाद एक हीरो बनता है। तो इसलिए हमें इस मूवी में स्पाइडरपंक की ऐसी मिक्स सी पर्सनैलिटी दिखाई गई है। और इस मूवी में स्पाइडरपंक एनिमेशन स्टाइल कोलाज इमेजरी से इंस्पायर था, जिसे 1970s के पंक रॉक एल्बम कवर एंड पोस्टर्स में यूज किया जाता था, जिसके हिसाब से इस मूवी में स्पाइडरपंक के सभी सीन्स को डेवलप करने में 2 से 3 साल लगे हैं। और अगर मैं डीपली एक्सप्लेन करूं तो स्पाइडरपंक की बॉडी को 3s and 2s में एनिमेट किया गया है, जिसमें पर सेकंड 8 से 12 इमेजेस होती हैं। इसके गिटार को 4s में, जिसमें पर सेकंड 6 इमेजेस होती हैं। और इसकी आउटलाइंस को नॉर्मली 2s और 1s में, जिसमें पर सेकंड 12 से 24 इमेजेस यूज की जाती हैं। तो स्पाइडरपंक के हर एक बॉडी पार्ट को डिफरेंट फ्रेम रेट के साथ एनिमेट किया गया है। नंबर 25, इस सीन के दौरान जब इन सबकी कॉस्ट्यूम्स को चेंज होते दिखाया जाता है तो इनमें एक फ्रेम में पीटर ने एक स्ट्रिप पोलो शर्ट पहनी होती है जो कि सेम स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज में पीटर पार्कर पहना करता था इन नो टू द क्लासिक। और इसके बाद पीटर को एक लिजर्ड यूनिफॉर्म में भी दिखाया जाता है फॉर शेडविंग इस अपकमिंग ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 26, वेल तो शायद ही आपने नोटिस किया हो बट इनटू द स्पाइडरवर्स में माइल्स के डैड की यूनिफॉर्म पर उसका नाम डेविस लिखा होता है, बट अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में उसकी यूनिफॉर्म पर मोरेलेस लिखा होता है, मीनिंग कि उसने फर्स्ट एंड सेकंड मूवी के बीच में उसके सरनेम को डेविस से मोरेलेस में चेंज किया है जो कि उसकी वाइफ का सरनेम है। नंबर 27, मूवी के एंड में अपने घर पहुंचकर माइल्स को पता चलता है कि वो रॉन्ग यूनिवर्स यानी अर्थ 42 पर है, बट स्पाइडर सोसाइटी में जब गो होम मशीन माइल्स को उसके यूनिवर्स में भेजने के लिए स्कैन करती है तो वहां पर उसकी डेस्टिनेशन अर्थ 42 लिखी होती है, बट माइल्स मिगेल के चलते और अपने घर जाने की जल्दबाजी में इस चीज पर ध्यान ही नहीं देता। नंबर 28, ग्वेन जब अपनी आइडेंटिटी अपने डैड के सामने रिवील करती है तो उस टाइम उसके पीछे बैकग्राउंड में उसकी मास्क आईज बनी होती हैं, मीनिंग के मास्क उतारने के बाद भी कैप्टन स्टेजी अपनी डॉटर को स्पाइडर वुमन के नजरिए से ही देख रहा है, तो इसलिए वो ग्वेन को मास्क उतारने के बाद भी बार बार सरेंडर करने के लिए कहता है। नंबर 29, जब वल्चर ग्वेन के यूनिवर्स में एंटर करता है तो वहीं पर पीछे जेफ कून्स लिखा होता है, जिनके 8 समय इस सीन में दिखाए गए थे, जिनके एक बलून डॉग 8 को वल्चर डिस्ट्रॉय भी करता है। एंड ग्वेन के यूनिवर्स में मिगेल की फर्स्ट एंट्री के दौरान एक फ्रेम में उसे उसके व्हाइट सूट में दिखाया जाता है। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मिगेल यहां पर अपने न्यू व्हाइट स्पाइडर सूट को बनाने में लगा है जो कि हमें बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में देखने को मिलेगा। नंबर 31, स्पोर्ट जब एटीएम को अपने पोर्टल से ले जा नहीं पाता तो उसके बाद उसे शॉप से बाहर ले जाने के लिए वो एटीएम के नीचे कैश का यूज करता है। एंड स्पोर्ट एटीएम की चोरी करते हुए उसे एटीएम मशीन कहता है, जिस पर माइल कहता है कि लोग इसे एटीएम मशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि एटीएम में जो एम है उसका मीनिंग है मशीन है। और यही सेम मिस्टेक माइल्स पवित्र के सामने करता है जब वो चाय को चाय टी कहकर बुलाता है। इसके बाद पवित्र भी उसे वही सेम चीज बोलता है जो कि उसने स्पोर्ट को बोली थी। Chai tea? Chai means tea, bro. Number 33. स्पाइडर बार्ड इस सीन में खुद पर डिफरेंट हेयर स्टाइल्स को लगा के देखती है, तो इस सीन में हमें जो सभी डिफरेंट हेयर स्टाइल दिखाए जाते हैं तो ये सभी डिजाइन एंड चॉइसेस साइबरपंक 2077 वीडियो गेम से लिए गए थे, जिन्हें इस गेम में कैरेक्टर क्रिएशन के टाइम पर यूज किया जाता है। नंबर 37,
माइल्स एंड स्पॉट की सेकंड फाइट के दौरान स्पॉट रिवील करता है कि वो वही बंदा है जिसको माइल्स ने फर्स्ट मूवी में बेगल फेंक के मारा था। बट इनके फर्स्ट फाइट के दौरान इन दोनों के पास एक बेगल को उड़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक अर्ली फोरशैडोइंग थी कि हमें आगे का देखने को मिलेगा। नंबर 35। इस सीन में जब कैप्टन मोरेलेस स्पाइडरमैन स्पॉट के पीछे जाने के लिए होल में जंप करने के लिए तैयार होता है, बट बाद में ही इज लाइक ना सीढ़ियां ही ठीक है, जैसा कि सेम माइल्स ने इनटू द स्पाइडरवर्स में अपनी फर्स्ट बिल्डिंग जंप के टाइम किया था, लाइक फादर लाइक सन। और उसके बाद जब कैप्टन मोरेलेस यहाँ नीचे गिरने लगता है तो माइल्स उसे अपने वेब में पकड़कर जिस जगह पर लैंड कराता है, तो फर्स्ट मूवी में माइल्स के गिरने पर पीटर पार्कर भी उसे इसी सेम जगह पर ही लेके आता है। नंबर 37। जब ग्वेन एंड माइल्स स्विंग करते हुए रास्ते में से एक आदमी से हॉट डॉग्स लेके जाते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जब ग्वेन हॉट डॉग लेती है तो उस टाइम ग्रैब लिखा आता है और इस शॉपकीपर की मूवमेंट्स पर उतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब माइल्स हॉट डॉग लेता है तो उस टाइम टेक लिखा आता है और उसके साथ साथ इस शॉपकीपर भी पूरा घूम जाता है, जिससे कि यह दिखाया गया था कि ग्वेन का अपनी स्विंग्स एंड मूवमेंट पर कितना ज्यादा कंट्रोल है एज कम्पेयर टू माइल्स। नंबर 38। इस मूवी में ग्वेन एंड माइल्स के बीच में बहुत सी सिमिलैरिटीज दिखाई गई हैं। लाइक ग्वेन जब अपने डैड से स्पाइडर कॉस्ट्यूम में बात करती है तो उस टाइम अपनी आवाज को चेंज कर लेती है इन हैवी एक्सेंट टू हाइड हर आइडेंटिटी, जो कि सेम चीज माइल्स अपने डैड के सामने करता है। एंड माइल्स को स्पेनिश में बी ग्रेड मिला होता है, इस पर उसकी मॉम गुस्सा भी करती है। और एंड में हमें पता चलता है ग्वेन को इंग्लिश में बी ग्रेड मिला है, इस पर उसका डैड उसे ए लाने के लिए कहता है। एंड फर्स्ट मूवी में किंग पिन को हराने के बाद माइल्स जिस तरीके से अपने डैड को हक करता है, उसी सेम तरीके से ग्वेन इस मूवी में अपने डैड को हक करती है। नंबर 39। वेल तो जैसा कि इनटू द स्पाइडरवर्स में माइल्स की एज ए स्पाइडरमैन प्रोग्रेस को दिखाने के लिए उसके एनिमेशन को शुरू से एंड तक अलग अलग फ्रेम रेट के साथ एनिमेट किया गया था, तो वैसा ही कुछ इस मूवी में स्पॉट के साथ किया गया है इन ए डिफरेंट वे, क्योंकि स्पॉट की पूरी बॉडी पर आप एनाटॉमी रेफरेंसेस देख सकते हो, लाइक उसकी पूरी बॉडी पर ही सर्कल्स एंड लाइंस बनी होती हैं जिन्हें एक कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि दिखाया गया था कि स्पॉट की एज ए कैरेक्टर एंड एज ए विलन प्रोग्रेस अभी डेवलपमेंट में है और ये स्केच स्पॉट की फाइनल फॉर्म में ही जाके दिखना बंद होते हैं। ए ट्रूली मार्वलस डिटेल। नंबर 14। इस मूवी में माइल्स स्पाइडरमैन बनने के बाद बेबी पाउडर की ऐड करता है, जो कि मे बी रेफरेंस था फर्स्ट मूवी का, जिसमें पीटर भी माइल्स को अपने सूट में बेबी पाउडर यूज करने की सलाह देता है। नंबर 41। जैसे कि हमें माइल्स को विजन एकेडमी में जाते हुए दिखाया गया है, तो वैसे ही हर एक यूनिवर्स में विजन एकेडमी के डिफरेंट वेरिएशंस दिखाए गए हैं। लाइक ग्वेन के यूनिवर्स में उसके डैड ने विजन जिमनास्टिक्स एकेडमी की शर्ट पहनी होती है, जिसमें कि ग्वेन गई होगी। एंड पवित्र के यूनिवर्स में उसके यूनिफॉर्म पर MVA लिखा होता है, इसका मीनिंग पॉसिबली मुंबैटन विजन एकेडमी हो सकता है। नंबर 42। इस सीन में माइल्स कहता है कि अगर उसने अपने पेरेंट्स को अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी बता दी तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, जिसके बाद वो कहता है मे बी इन अनदर यूनिवर्स। और मूवी के एंड में माइल्स एक दूसरे यूनिवर्स में अपनी मॉम को उसके स्पाइडरमैन होने के बारे में बता भी देता है, तो माइल्स के यहाँ पर कही ये बात एंड में सच हो जाती है। नंबर 43। माइल्स पार्टी में पहुंचने के लिए जिस टैक्सी का यूज करता है, तो ये ऑनलाइन ऊबर की तरह ऑनलाइन बुकिंग टैक्सी होती है, जिसको इस हेयो टैक्सी नाम की ऐप से बुक किया जाता है, जस्ट लाइक रियल लाइफ टैक्सीज। नंबर 44। माइल्स जब अपने डैड की प्रमोशन पार्टी में केक लेके पहुंचता है, तो उस टाइम उसके पेरेंट्स को देखकर उसकी स्पाइडर सेंस ट्रिगर होती है, मीनिंग कि उसे पहले ही पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स उसके लेट आने से नाराज हैं, और इसलिए वो उन्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। और ऐसे सिमिलर इस सीन में जब माइल्स ग्वेन के पीछे पीछे स्विंग कर रहा होता है, तो उस टाइम एक ट्रक के आने से पहले ही उसकी स्पाइडर सेंस ट्रिगर हो जाती है, जिसके बाद वो दूसरी तरफ वेब करता है ताकि वो ट्रक से बच सके। पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जब माइल्स इस सीन में ग्वेन को ढूंढ रहा होता है कि वो कहां पर गई, तो उस टाइम ग्वेन पीछे से आकर उसे उंगली से टैप करती है, और ग्वेन के पीछे से आने पर माइल्स की स्पाइडर सेंस ट्रिगर नहीं होती, मीनिंग कि माइल्स ग्वेन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट या फिर उसे लाइक करता है, जिसके साथ होने से वो बिल्कुल सेफ या कह सकते हैं वल्नरेबल हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में ग्वेन का ये बिट्रेयल माइल्स पर उतना ही ज्यादा इम्पैक्टफुल साबित होता है। नंबर 47। फर्स्ट मूवी में जब माइल्स इनविजिबल होकर अपने वेब्स को यूज करता है, तो उसके इनविजिबल होने के बावजूद भी उसके वेब्स टोटली विजिबल होते हैं, बट अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में माइल्स के साथ साथ उसके वेब्स भी इनविजिबल हो जाते हैं, यानी फर्स्ट मूवी के मुकाबले माइल्स का अपनी पावर्स एंड इनविजिबिलिटी पर और भी ज्यादा कंट्रोल है। नंबर 48। माइल्स एंड स्पॉट के फर्स्ट फाइट के दौरान रूफटॉप पे जब माइल्स स्पॉट के इन मल्टीपल होस्ट से बचते हुए आगे बढ़ता है, तो ये सीन डायरेक्ट कॉमिक से लिया गया था, इसमें स्पॉट की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी। नंबर 49।
मिगेल जब माइल्स को कैनन इवेंट्स के बारे में बताता है तो उस टाइम ये सभी कुछ फोटोज की तरफ देख रहे होते हैं, जिनमें पीटर बीजीस वेडिंग वाली फोटो को देखता है। तो ये 1987 में पब्लिश हुए कॉमिक का कवर था जिसमें पीटर एंड एमजी की फर्स्ट एवर वेडिंग हुई थी। जस्ट ड्रू इस फोटो में मेटल रबल के नीचे फंसी होती है, जो कि स्पाइडरमैन कॉमिक्स की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट है, और इसका लाइव एक्शन हमें होमकमिंग मूवी में देखने को मिला था। एंड होबी इस फोटो में अपने शूट को डस्टबिन में गिरा के जा रहा होता है, जो कि हमें स्पाइडरमैन 2 में देखने को मिला था। नंबर 50, जब माइल्स फर्स्ट टाइम स्पॉट की फ्यूचर विजन को देखता है तो उसमें कैप्टन स्टेजिस की डेथ तो दिखाई जाती है, पर उसके साथ साथ बहुत सारे स्पाइडरमैन की डेड बॉडीज को भी दिखाई जाता है, जिनके ऊपर स्पॉट खड़ा होता है। एंड दिस इज जस्ट टेरिफाइंग। नंबर 51, फर्स्ट मूवी में आर्ट मे का घर फुली ग्रीन कलर का होता है, बट इस मूवी में इसके बॉटम हाफ पर ब्लू कलर हुआ होता है, क्योंकि फर्स्ट मूवी में इस फाइट के दौरान इसका बॉटम हाफ डिस्ट्रॉय हो गया था, तो आर्ट मे ने इसे फिर से बनवा कर इस पे ब्लू पेंट करवाया होगा। नंबर 52, जब पीटर पार्कर कुछ स्पाइडर्स को अपने साथ बैठा कर ले जाती है तो शायद ही आपने नोटिस किया हो, बट इनमें एक टाइनी स्पाइडरमैन भी होता है, जो कि यहाँ पर ऊपर बैठा होता है। नंबर 53, होबी जब स्पाइडर सोसाइटी से वापस अपनी यूनिवर्स में जाता है तो उस टाइम वो मिगेल की दी हुई पोर्टल वॉच को वहीं पर फेंक के चला जाता है, मीनिंग कि होबी ने एक से ज्यादा पोर्टल वॉच को बनाया होगा, जिनमें से एक तो वो गुवेन को दे देता है और एक उसने अपने पास भी रखी होगी। नंबर 54, अर्थ 42 पर जब माइल्स अपनी मॉम को बताता है कि वो स्पाइडरमैन है तो उसकी मॉम कॉमिक कॉन को मेंशन करती है और कहती है कि क्या वो कॉमिक कॉन में इस कॉस्ट्यूम को पहनेगा। इस पर माइल्स कहता है कि उसे पता ही नहीं है कि कॉमिक कॉन है क्या, क्योंकि फर्स्ट मूवी में भी जब पीटर बी उसके सामने कॉमिक कॉन का नाम लेता है तो उस टाइम उसकी रिएक्शन ऐसे ही होती है। नंबर 55, जब ये टीचर माइल्स के स्पेनिश में बी ग्रेड को बताती है तो उसकी मॉम चुटकी बजाते हुए पूछती है कि ये क्या है, और चुटकी बजाने पर पोर्टो रिकन फ्लैग का डिजाइन एंड कलर शो होता है। नंबर 56, मूवी शुरुआत में जब क्वेन को दिखाया जाता है तो उस टाइम उसने अपने आइकॉनिक बैले शूट पहने होते हैं, बट स्पाइडर सोसाइटी को ज्वाइन करने के बाद से वो स्नीकर्स पहने लगती है, शोइंग हाउ शी चेंज्ड ओवर टाइम आफ्टर जॉइनिंग द स्पाइडर सोसाइटी। नंबर 57, जब वल्चर ग्वेन को पकड़ने के बाद उस पर अटैक करने लगता है तो उस टाइम वो इटालियन में कुछ कहता है, इसका मीनिंग हमें स्क्रीन पर इंग्लिश में दिखाया जाता है, मीनिंग बाय गर्ल। एंड आल्सो फर्स्ट मूवी में जब हमें ग्वेन के यूनिवर्स में उसके पीटर पार्कर की डेथ दिखाई जाती है तो उस टाइम लोकेशन सेकंड मूवी के मुकाबले टोटली डिफरेंट होती है, और पीटर पार्कर भी देखने में पीटर बी जैसा होता है, बट इस मूवी में पीटर को भी यंगर दिखाया गया है। नंबर 59, मूवी के एंड में जब दोनों माइल्स को आमने सामने दिखाया जाता है तो अगर आप नोटिस करोगे तो अर्थ 42 वाले माइल्स की हाइट ओरिजिनल माइल्स से ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी बॉक्सिंग बैग पर बंधा होता है और इसके दोनों पैर भी हवा में होते हैं, बट फिर भी अर्थ 42 वाला माइल्स इसके बिल्कुल बराबर में होता है, शोइंग ही इज टॉलर देन द अदर वन। नंबर 60, ग्वेन की यूनिवर्स में पीटर पार्कर मरने से पहले ग्वेन को कहता है एवरीथिंग्स गोना बी ओके, एंड फर्स्ट मूवी में पीटर पार्कर माइल्स को जो लास्ट लाइन बोलता है तो वो होती है इट्स गोना बी ओके। नंबर 61, इनटू द स्पाइडरवर्स में किंग पिन एक दूसरे डायमेंशन से अपनी फैमिली को अपने पास लाना चाहता था, एंड अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में मिगेल अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए एक दूसरे डायमेंशन में जाता है, तो इन डिफरेंट वेज इन दोनों कैरेक्टर्स ने सेम मिस्टेक की है। नंबर 62, पीटर बी पार्कर के घर आने पर जब एमजे उसके पास जाती है तो वो जाते हुए एक फोटो को सही तरीके से रखती है, जो कि पीटर के घर आने से ही गिरी होगी, क्योंकि जब भी हमें मल्टीवर्सल पोर्टल्स को खुलते हुए दिखाया गया है तो आसपास की चीजें उड़ने लगती हैं, तो जब पीटर बी के आने से उसके घर पर ये पोर्टल खुला होगा तो उसी से ये फोटो नीचे गिरी होगी। नंबर 63, और मैं आपको स्पाइडर सोसाइटी में इस चीज की कुछ डिटेल्स बताऊंगा जो कि मैंने फ्रेम बाय फ्रेम या कह सकते हो स्लो मोशन में देखते हुए नोटिस की हैं। लाइक जब मिगेल सभी स्पाइडर्स को माइल्स को पकड़ने के लिए कहता है तो इस सीन में पीछे स्पाइडरमैन कुछ पीने की कोशिश करता है, बट बाद में उसे रियलाइज होता है ही इज वेयरिंग ए मास्क, और उसके बाद जब माइल्स भागते हुए इस बर्गर के ऊपर पैर रखता है तो उसके बाद ये जाके उसे स्पाइडरमैन के मुंह पर लगता है जिसने कि ये बर्गर ऑर्डर किया था, जिसे देखकर ही सामने वाला स्पाइडरमैन अपने हॉट डॉग को रास्ते से हटा लेता है। इसके बाद माइल्स आगे जाते हुए जी भी स्पाइडरमैन का भी डोज करता है, और इसके बाद माइल्स जब इस सेक्शन में एंटर करता है तो यहाँ पर ये येलो स्पाइडरमैन इस वाले स्पाइडरमैन को वर्कआउट करते हुए दिख रहा होता है, और जब ये सभी स्पाइडरमैन इसके पास से भागते हुए जाते हैं तो तब भी ये ऐसे ही बैठा होता है, और इसके बाद जब माइल्स वेब करने के लिए पीछे मुड़ता है तो सामने 3 स्पाइडरमैन को आगे भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि आई थिंक एक मिस्टेक थी। और जब माइल्स इस कंटेनर को नीचे गिरा देता है तो उसके नीचे सिर्फ ये स्पाइडर कैट एंड चीबी स्पाइडरमैन ही निकल पाते हैं। एंड आफ्टर दैट जब ये सभी स्पाइडरमैन इस वाले स्पाइडरमैन को ब्रिज बनाकर उसके ऊपर से आगे जाने की कोशिश करते हैं तो इस स्पाइडरमैन और उसके वेब के ऊपर इतना वेट होने के बावजूद भी ये टिके रहते हैं, जिसकी वजह से ये मशीन ही टूट जाती है, डेमोंस्ट्रेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ स्पाइडरमैन वेब। नंबर 67, माइल्स के बिल्डिंग के बाहर आने के बाद उसके पीछे कुछ स्पाइडरमैन आते हैं, तो इनमें से स्पाइडरमैन की होकी स्टिक पर चीबी स्पाइडरमैन बैठा होता है,
और उसके बाद जब पीटर भी माइल्स का पीछा कर रहा होता है तो उस टाइम उसका ये लॉन्ग कोट एक केप की तरह लगता है, जो कि एक कूल नोट था इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी को, जिसमें वो माइल्स से कहता है कि स्पाइडरमैन केप नहीं पहनता। एंड इट्स अ नो ऑन द केप। आई थिंक इट्स कूल। टेक दैट ऑफ। इट्स डिसरेस्पेक्टफुल। स्पाइडरमैन डजंट वेयर अ केप। नंबर 69। ट्रेन फाइट के दौरान माइल्स मिगेल पर अटैक करते हुए ट्रेन के कुछ टुकड़े कर देता है, जो कि डायरेक्ट रिक्रिएशन द फर्स्ट मूवी के लीप ऑफ फेथ वाले सीन का, जिसके जरिए माइल्स अपनी पावर्स पर बिलीव एंड कंट्रोल करना सीखता है, शोइंग हिज लीप ऑफ फेथ। एंड अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के इस सीन के जरिए माइल्स की एज ए पर्सन एंड एज ए स्पाइडरमैन एक बेटर ग्रोथ को दिखाया गया था, क्योंकि इसके बाद वाले सीन में वो मिगेल से कहता है कि अब वो अपनी स्टोरी का हीरो खुद है। सो दिस टू सीन्स प्लेड ए मेजर रोल इन माइल्स ग्रोथ। नंबर 70। ट्रेन पर मिगेल से भागते हुए जब माइल्स ग्लिच करता है तो उस टाइम एक दो फ्रेम के लिए वो अपने फर्स्ट इंटू द स्पाइडरवर्स वाले सूट में आ जाता है। एंड माइल्स के इस अटैक के बाद जब मिगेल ट्रेन से नीचे गिरने लगता है तो इन सभी स्पाइडरमैन में से सिर्फ ये वाला स्पाइडरमैन ही मिगेल को पकड़ने की कोशिश करता है। नंबर 72। जब सभी स्पाइडर्स माइल्स का पीछा करते हुए बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद माइल्स बताता है कि सब कुछ उसका ही प्लान था, क्योंकि अगर वो चाहता तो स्पाइडर सोसाइटी के अंदर ही इनविजिबल हो सकता था, बट वो जानबूझकर इन सबको अपने पीछे बाहर लेके आता है। और इन सब के बाहर आ जाने के बाद फिर वो इनविजिबल होकर वापिस गो होम मशीन की तरफ जाता है, जिससे कि माइल्स की इंटेलिजेंस को दिखाया गया था। एंड सेइंग दैट कि माइल्स इज इंटेलिजेंट, बट आई थिंक स्पाइडर सोसाइटी से माइल्स का ये एस्केप कुछ ज्यादा ही इजी दिखाया गया है, क्योंकि स्पाइडर सोसाइटी में हमें 200 से भी ज्यादा डिफरेंट स्पाइडरमैन दिखाए गए हैं, और जैसे माइल्स के पास अपनी यूनिक इनविजिबिलिटी एंड वेनम अटैक वाली पावर है, तो इन सबके पास भी अपनी कोई यूनिक पावर्स तो जरूर होंगी, बट इनमें से सिर्फ मिगेल ही माइल्स को सीरियसली पकड़ने की कोशिश करता है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्पाइडरमैन को डम एंड स्टूपिड दिखाया गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि इस सीन में पीटर भी पाकर माइल्स को आसानी से पकड़ लेता है, तो अगर इनमें से एक भी स्पाइडरमैन थोड़ी सी कॉमन सेंस एंड एफर्ट का यूज करता तो माइल्स का भाग पाना मुश्किल था, फिर चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो, जो कि आई थिंक इस मूवी का एक मेजर फ्लो है। नंबर 74। इस मूवी के राइटर्स के कहने पर सोनी ने पहले इस मूवी को बनाने के लिए फर्स्ट मूवी जितने एनिमेटर्स एंड क्रू को हायर किया था, बट इस मूवी पर काम करते करते ये क्रू बढ़कर लगभग 1000 के आसपास हो गया था, जिसके बाद ये ऐसी पहली एनिमेटेड मूवी बन चुकी है जिस पर इतने ज्यादा लोगों ने मिलकर काम किया है, जिसमें हमें 240 से भी ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ साथ इस मूवी की स्टोरी 6 डिफरेंट यूनिवर्सेस में दिखाई गई है, जिनमें हर एक यूनिवर्स का आर्ट स्टाइल टोटली डिफरेंट था। सो थैंक्स टू ऑल द पीपल्स हु वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट टू गिव अस दिस विजुअली स्टनिंग मूवी। और अब इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर मैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी से रिलेटेड 100 से भी ज्यादा हिडन डिटेल्स एंड फैक्ट्स कवर कर चुका हूँ। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे भी जरूर से देखना। एंड स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी से रिलेटेड मैंने ऐसे 50 फैक्ट्स एंड हिडन डिटेल्स कवर किए हुए हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हो। सी यू बाय बाय। सी यू बाय बाय।